नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिसेन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। LIC नहीं, अब टाटा ग्रुप होगा देश का सबसे बड़ा IPO। और जुपिटर हॉस्पिटल के शेयर मार्केट में धमाकेदार शुरुआत, हर शेयर पर 225 रुपए का फायदा। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में 30% से ज्यादा की प्रीमियम के साथ 960 रुपए पर लिस्ट हुए हैं। IPO में जुपिटर हॉस्पिटल के शेयर 735 रुपए पर अलॉट हुए थे, यानी लिस्टिंग पर ही निवेशकों को हर शेयर पर 225 रुपए का फायदा हुआ है। लिस्टिंग के बाद जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल के शेयर BSE में 7.53% की तेजी के साथ 1032.25 रुपए पर पहुंच गए हैं। जुपिटर हॉस्पिटल के शेयर NSE में 973 रुपए पर लिस्ट हुए हैं। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का IPO टोटल 64.80 गुना सब्सक्राइब हुआ है। जुपिटर हॉस्पिटल के IPO का रिटेल कोटा 8 गुना सब्सक्राइब हुआ। वही IPO में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB का कोटा 181.89 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी NII का कोटा 36 गुना सब्सक्राइब हुआ। जुपिटर हॉस्पिटल के इश्यू का टोटल साइज 869.08 करोड़ रुपए का है। केंद्र सरकार देश में चल रहे अवैध लोन ऐप्स पर शिकंजा और सख्त करने जा रही है। अब वही ऐप्स कंपनियां लोन दे पाएंगी जो RBI से स्वीकृति होंगी, और यही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर भी संचालित होगी। बाकी ऐप्स को हटा दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही RBI के साथ बैठक कर नए मानदंड तय किए जाएंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने हाल ही में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अवैध लोन ऐप्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। इसके लिए जल्द RBI के साथ बैठक करने की योजना है, ताकि इन ऐप्स के लिए जल्द से जल्द एक व्हाइट लिस्ट बनाई जा सके। इस सूची में वो ऐप्स शामिल होंगे जिन्हें नियामकों ने मंजूरी प्रदान की होगी। ऐप स्टोर पर सिर्फ ऐसे लोन ऐप्स को शामिल करने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन माध्यम से कर्ज देने पर नियम पेश किए थे। क्रेडिट लिमिट को खुद से बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखना सरकार का उद्देश्य है। आज गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर कई ऐसे ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय करते हैं। हम लोन ऐप्स के लिए आए आवेदनों पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा हमने गूगल और एप्पल दोनों को निर्देश किए हैं कि उन्हें असुरक्षित या गैर कानूनी ऐप्स को अपनी प्ले ऐप पर शामिल नहीं करना चाहिए। डिजिटल कर्ज देने वाले ऐप्स को संबंधित शिकायतों की बढ़ती संख्या को दूर करने के लिए RBI ने एक अलग पोर्टल सचिव की शुरुआत की है। पोर्टल को बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं, और जनवरी 2020 से मार्च 21 तक लगभग 2562 शिकायतें दर्ज की गई हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। 30 के दिन भी राहत है। आज सबसे सस्ता तेल 79.74 प्रति लीटर है, जबकि कच्चे तेल का भाव $95 प्रति बैरल के बेहद नजदीक पहुंच गया है। इस साल पहली बार $94 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड का नवंबर वायदा $94.24 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड का अक्टूबर वायदा $91.21 प्रति बैरल हो गया है। इसके बावजूद भारत में 490 दिन से पेट्रोल डीजल के रेट में राहत बरकरार है। आखिरी बार 21 मई 2022 को पेट्रोल डीजल के रेट में बदला हुआ था। अभी तक देश में सबसे बड़ा IPO लाने का किताब सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के नाम पर है, लेकिन अब जल्द ही उससे ये किताब छीन सकता है। दरअसल देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा ग्रुप करीब 19 साल बाद IPO मार्केट में जोरदार एंट्री करने की तैयारी कर रही है, और सबसे बड़ा IPO पेश करके एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। शेयर बाजार में वैसे तो टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर लिस्टेड है। इसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड से लेकर टाटा मोटर्स तक के नाम शामिल है, लेकिन ग्रुप की ओर से पेश किए गए आखिरी IPO की बात करें तो ये करीब 2 दशक पहले साल 2004 में तब आया था, जब IT कंपनी TCS ने मार्केट में एंट्री ली थी। इसके बाद अब ग्रुप की ओर से कोई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पेश करने की तैयारी की गई है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। LIC नहीं, अब टाटा ग्रुप होगा देश का सबसे बड़ा IPO। और जुपिटर हॉस्पिटल के शेयर मार्केट में धमाकेदार शुरुआत, हर शेयर पर 225 रुपए का फायदा। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए BSN News। नमस्कार।